अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप सब खैरियत होगी। आज हम आए हुए हैं मुसफ़ा, और आप ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर होता है PCR कोरोना टेस्ट। सो मैं तकरीबन सुबह माशाल्लाह 8 बजे पहुँच चुका हूँ इधर, और ये ओपन होता है 9 बजे। काम तो थोड़ा इसलिए जल्दी भी आ गया हूँ, और थोड़ा सा इसके बाद काम है मुसफ़ा के अंदर, तो उधर भी जाना है फिर इंशाल्लाह ताला। इस वजह से मैं जल्दी आ गया हूँ, और आया मैं अबू के साथ हूँ क्योंकि अबू ने जाना था शारजा, और मैं फिर रास्ते में उतर गया मुसफ़ा। ये अबू धाबी के साथ है, इस तरफ थोड़ा सा आगे जाएँ तो आगे वो देख सकते हैं अबू धाबी की बिल्डिंग नज़र आपको आएँगी। तो अभी इंशाल्लाह ताला इधर कोरोना टेस्ट कराएँगे, PCR टेस्ट, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको थोड़ा सा मुसफ़ा दिखाएँगे। हाँ जी, अब हम आ चुके हैं होटल पर कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। जिस काम से आए थे वो माशाल्लाह हो गया, कोरोना टेस्ट करवाना था, वो कोरोना टेस्ट हमारा हो गया। अब हमने कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर किया है। चलो यार, भूखे हैं, सुबह खा कर आए थे घर से, लेकिन चलो अभी पूरा दिन घूमना है इधर मुसफ़ा में, तो कुछ हल्का फुल्का पहले खा ले फिर घूमते हैं, ठीक है? और फिर आपको भी घुमाते हैं। भाई आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब भी आप यूएई में आए ना, तो जहाँ पे बंगाली, किसी भी बंगाली होटल से चाय पिए, वो भी कड़क, ठीक है ना, बहुत ही कमाल की चाय। देखा कैसा रंग है, पूरी कड़क चाय है। देसी लोग, आपको पता है देसी तो बहुत पसंद करते हैं ऐसी चाय को, हम जैसे लोग। इस चाय का ये फायदा होता है कि आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, सच में। अभी हम आए हैं मार्केट में, और ये बहुत ही प्यारी मार्केट है, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पेंटे शंटे कैसी पेंटे हैं, ठीक है ना, तो ये पेंटे पड़ी हुई, ये शर्ट है देखें जी, और ये देखें जी पिशावरी कैप, और ये है चप्पलों वाला सेक्शन, ये सारी इधर चप्पल वगैरह पड़ी हुई हैं। ये हैं टी शर्टें, जिस जिसने लेनी है आ जाए। बहुत ज़्यादा मार्केट बड़ी है ये, और इसकी ख़ास बात है कि ये 1 to 20 है, जितनी भी इधर चीज़ें हैं 1 से 20 तक हैं। और दूसरी बात, इधर एक और बहुत मज़ार है, वो ये है, तलावत हो रही है माशाल्लाह ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुरान पाक की तलावत हो रही है। और माशाल्लाह देखें, बहुत बड़ी मार्केट है, और सारी चीज़ें 1 to 20 हैं। और अब हमने पूरा दिन यहाँ पे ही घूमना है बस। और यहाँ पे हैं ट्राउज़र वगैरह, और साथ में है कंदूरा, और साथ में यहाँ कच्छे वगैरह। और ये आए हैं दो भाई, और पीछे शोर डाल रहे हैं, इनको मेरी समझ नहीं आएगी। हम चले जाते हैं इस तरफ, तो माशाल्लाह कैमरे वैसे हर जगह पर लगाए हैं मैंने, कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता कोई भी यहाँ पर। और आप उनको ड्रेसिंग रूम दिखाते हैं, कैसे ड्रेसिंग रूम है इनके। ये हम आ गए हैं ड्रेसिंग रूम में, चेक करें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा ड्रेसिंग रूम है इनका। यहाँ पे हम कपड़े चेंज करते हैं। ऐसी मार्केट में जब भी मैं आता था ना, तो मेरी सिर्फ एक ही फेवरेट चीज़ होती थी, वो होती थी ये वाली कैप, और ये वाली कैप देख दिखाते हैं आपको पहन कर। ये देखें जी, ये ऐसे करके। और यहाँ पे है स्टेशनरी का सामान, स्टेशनरी जिसको हम कॉपी वगैरह ये वो सब कुछ। और यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है हम अब। और ये हैं खिलौने, बचपन के जब हम आते थे, हम ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा रुकते थे ये चीज़ों को देखने के लिए, खिलौनों को, टॉयज़ को, कारों को, वो शौक़ होता था गाड़ी छोटी छोटी चलाने का। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से ज़्यादा बड़े नहीं हुए, तो बस अब थोड़ा सा शौक़ चेंज हो गया। मकसद है यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी जो भी दुनिया में अवेलेबल है। और यहाँ पे देखें आप,
छोटे 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 बालू वगैरह जो बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। और ये देखें जी क्रिकेट बॉल, बैट भी होगा लाजम इधर। और ये है वेट, चौके देखिए कितना वजनी है, इतना वजनी नहीं है जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह बैट भी होना चाहिए इधर, देखते हैं बैट भी फिर आपको दिखाएंगे अगर हुआ तो। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी डॉल हैं यार, माशाल्लाह। ये है स्पार्टन मैन फार अवे होम अबू धाबी में। भाई जल्दी जल्दी अमरीका जाओ, आपकी ज़रूरत है अमेरिका वालों को। देखें भाई कितनी हैप्पी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और साथ वाला बंदा कुछ कह नहीं सकते, साथ में इन्होंने दो बच्चे भी खड़े किए हुए हैं। तो अभी मेरी ना बैटरी ख़त्म होने वाली है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा। माशाल्लाह घूमा तो मैं वैसे बहुत हूँ और घूम रहा हूँ अभी भी, लेकिन अभी और चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर इस वीडियो को इधर ही इसका एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो अपनी दुआओं में हमें याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।